आम लीची तो तुमने खा लिया, पर ये जाना जरूरी नहीं समझा कि आम लीची आए कहाँ से। आम लीची आए तो सीन ऐसा ही, जैसे मैं पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं सिटी में जाने वाले हैं ब्लॉग करने की, जहाँ ऐसे ब्लॉग आज तक किसी ने किए नहीं। तो निकलेंगे कल सुबह, बाकी पैकेजिंग हो गई है, वहाँ जाके देखते हैं कितने ब्लॉग बनते हैं कि नहीं बन पाते। अगर नहीं बने तो समझ जाना मैं भी उदास ही हूँ, और एक ऐसे गाँव में भी लेकर जाऊँगा वहाँ के जो किसी ने देखा होगा। तो मिलते हैं सुबह, एंड वेलकम बैक टू माई चैनल शो आर ब्लॉग। आप ऐसे लोग ठीक ही होंगे, ठीक है ना, मजे करो, मस्त रहो, और ऐसी सारे ट्रिप्स इंजॉय करेंगे। देखते हैं कितने ब्लॉग बन पाते हैं वहाँ से। मैं अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि एक सिटी में जाके इतने सारे ब्लॉग बनाना। तो कल तक सीन कुछ और था, रात सीन कुछ अलग है। सुबह उठते ही एक मेरे पास खबर आई कि बहन को भी साथ ले जाना है। तो बहन को साथ ले जाना अनिवार्य है, क्योंकि पापा ने बोला कि साथ में लेकर जाना बहन को भी। तो अब सिस्टर साथ में जाएगी। अब मैं बोला तो जल्दी से तैयार रेडी होकर सीधे निकल लेता बहन के साथ में। पता ही है अभी नैन पॉलिश काजल आई नाइनर वाइनर सब लगाना वगाना होता ही रहता है, फिर उसके बाद निकलेंगे। बाकी थोड़ा सा लेट हो जाएगा और कुछ नहीं, तो कोई नहीं, थोड़ा सा लेट ही सही, पर ले जाना अनिवार्य है नहीं तो। तो पड़ोस में एक छोटा सा भाई रहता है, तो वो मुझसे मिलने आया हुआ है। वो एक आपको एक छोटी सी शायरी सुनाएगा। तो ये हाय बोलेगा पहले सबको। हाँ आप सुना जल्दी। शादी करने की सजा मैं इस तरह से पा रहा हूँ, शादी करने की सजा मैं इस तरह से पा रहा हूँ, इतनी मांग बनने के चक्कर में हालांकि मैं खुद मांग के खा रहा हूँ। तो तुम्हारा भाई रेडी रेडी शॉप हो चुका है, और बैग में सब अड्रम अड्रम सब रख लिया है। पूरा बैग इतना मोटा हो गया, 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, पर बैग इतना मोटा लेके जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही। और अब सीधे मिलता हूँ सीधे बस में, क्योंकि ये सब माइक और ये ट्रैपर में सब उतार के रख दूंगा, क्योंकि बस में कोई ऐसे यात्री भी होंगे जो मुझे देखेंगे और ये सब देखेंगे। उसका देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर कुछ छेड़छाड़ हो गई या फिर ये माइक गिरा सी ब्रेकर में या फिर गिर गया कहीं बस के अंदर ही, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी, तो इसलिए माइक और ये ट्राइपॉड में रखूंगा, खाली इसे कैमरे से सारी शूट करूंगा। तो सीधा मिलता हूँ बस में। तो सीन ऐसा है कि हम रामनगर तो पहुंच चुके हैं, रामनगर की वादियों में, और इधर पूरा इधर बगीचा बगीचा है। जहाँ से पेड़ स्टार्ट हो गया हमने सोचा रामनगर आ गया, पर थोड़ा सा टाइम लगा, जाम भी लगा, और बिल्कुल बस में सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अकेले आना और किसी का साथ में लाना बहुत बड़ी वो है, समझ गए। तो आम लीची तो तुमने खा लिया, पर ये जाना जरूरी नहीं समझा कि आम लीची आए कहाँ से, आम लीची आए यहाँ से। तो अभी तो हम यहाँ पर पहुँचे ही हैं, अभी तो शुरुआत है। पूरे रामनगर में, पूरे प्रॉपर रामनगर में पहुँच गए। रामनगर आने के दो रीज़न थे, पहला तो रीज़न पहले अपनी सिटी में घूम रहे थे, बहुत सारे ब्लॉग बनाए, अगली सिटी में आके भी बहुत सारे ब्लॉग बनाए थे, इसलिए यहाँ आए हुए। जैसे देखते हैं कितने ब्लॉग बनते हैं यहाँ आके, 2 या 3 या 4 जितने ही बनेंगे। बाकी मैं आया हूँ दो रीज़न के साथ, पहला रीज़न मैंने बताया, दूसरा रीज़न ये है कि मैं नानी के घर आया हुआ हूँ आज। एक जितने भी दिन हम रहेंगे आज के अपने ननियाल का खाएंगे, और देख रखा पीछे जो है ये आम और लीची के पेड़ हैं,
बाकी अभी उनका सीजन चला गया, अब कटहल उगने वाले हैं, तो मिलता हूँ थोड़ी देर में, अभी तो मैं बैठा ही हूँ। और जहाँ भी जा रहे हो आप अपनी सिटी का, तो आपको पता ही है कि क्या हाल है। बाकी मास्क वास्क कहीं ना उतारे, और तो मिलता हूँ थोड़ी देर में, बाकी आपको आम के और लीची के बगीचे दिखाता हूँ। तो ये पेड़ देख रहे हो, ये सब आम के पेड़ हैं। इस टाइम सीज़न नहीं है तो इसलिए आम उम कुछ हो नहीं रहे हैं। बाकी ये भी आम का ही पेड़ है। ये सामने वाला जो है ये कटहल का पेड़ है, अभी इसमें छोटे छोटे कटहल हुए नहीं है, कटहल की स्टार्टिंग छोटे छोटे से होती है। बाकी यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, कॉर्बेट से रिलेटेड है हर चीज़, यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं। यहाँ के एक थोड़ा सा आगे जाके एक गाँव और है, वहाँ पर लेकर जाऊँगा, क्योंकि अगर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर आते हैं फिर यहाँ से घूम के वापस चले जाते हैं हर चीज़। सब कॉर्बेट एरिया को ही जानते हैं, बट इस गांव को कोई नहीं जानता जो इससे आगे वाला गांव है, तो वहां पर लेके जाऊंगा अभी कुछ दिनों बाद, दो तीन दिन बाद लेके जाऊंगा। अभी फिलहाल तो हम यहीं हैं और धूप अच्छी है और इतनी ठंड नहीं है, रात का सीन देखते क्या होता है, ठंड होती है कि नहीं। बाकी तो अभी हम थोड़ा यहाँ पर आके घूमने आए हुए हैं, और यहाँ पर पीछे पूरे आम लीची के बगीचे हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जब हम यहाँ पर सीज़न में आते हैं तो यहाँ ऐसे जो पेड़ है यहाँ पर आम लटके हुए होते हैं, अभी कुछ है नहीं अभी क्योंकि कटहल का सीज़न है इसलिए। और मैं वीडियो क्वालिटी बता दूँ, 480 या 720 पे देखें। एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था कि वीडियो क्वालिटी थोड़ा ठीक करो, तो इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ, सबके लिए ही है। और ये आम और लीची के बगीचे हैं, बाकी सिनेमेटिक वीडियो देते हैं। तो घूम के आ गए थे यहाँ पर, जब भी पड़ोस में भी जा रहे हैं तो अच्छा सा लग रहा है यहाँ घूमने, पूरी विजिट में हरियाली ही हरियाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, कोई भी रीज़न है इस वीडियो को लाइक करने का जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं किसी ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। देखते हैं कि अगर एक दो ब्लॉग और बनेंगे यहाँ के तो बन जाएंगे, बाकी तो सोच रहा हूँ कि यहाँ रामनगर की मार्केट में जाऊँ वहाँ ब्लॉग करूँ, बाकी जो भगवान चाहेगा वही होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।